ये देखो सर, इसको बनाने में वायर कट सेंसर बनाने में ज़्यादा कोई झमेला है नहीं। पता नहीं कंपनी क्यों नहीं बनाती है। ये देखो, एक सिंपल सा एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगाया स्विच के अंदर। ये एक जैक लगा दिए हैं इसको टॉर्क को बढ़ाने के लिए, दबाने के लिए। उसके बाद ये देखो, एक इसे मैं वो होता है ना, क्या बोलते हैं आप, स्लाइडर, जो डोर का स्लाइडर होता है छोटा वाला, वो लगा दिए हैं। उसके अंदर एक मोती डाल दिए हैं। अब हमारा होता क्या है, पहले यहाँ रिला है, रिले के ऊपर मैं इसको इस तरह रखता हूँ, इसके ऊपर मैं 2 kg का लोड दे देता हूँ ताकि वो हिले नहीं। उसके बाद एक जगह मैं यहाँ फंसाता हूँ, दूसरा जगह यहाँ फंसाता हूँ, तीसरा जगह मैं वायर को यहाँ से लेके इसमें डाल के, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, इस तरह करके इसमें डाल के मैं यहाँ मशीन में इसके अंदर डालता हूँ। इससे हमारा क्या होगा कि जब तक ये हमारा दबा रहेगा तब तक ये हमारा मशीन चलेगा, और जब तक हमारी वायर नहीं कटेगी, जब तक घूमती रहेगी तब तक ये हमारा दबा रहेगा। जैसे वायर कटेगा ये छोड़ देगा, ये छोड़ेगा हमारा जहाँ का तहाँ वो रुक जाएगा।